हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कार्डियक हेल्थ सॉल्यूशन। कार्डियक हेल्थ सॉल्यूशन में मैं रवि नायक आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने आया हूं, जिसका टॉपिक रहेगा बेसिक कैथ लैब। जी हां, आज पेशेंट से थोड़ा हटके और न्यू जनरेशन जो अभी कैथ लैब स्टडी को पास आउट करके और जो जॉब्स प्रोफेशन और ट्रेनिंग फील्ड में अपना कदम बढ़ाने वाले हैं, उनके लिए एक छोटी सी बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूँ। और उनके लिए बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ट्रॉली वगैरह सेट करना और सीट्स वगैरह की पहचान करना, किस टाइम पे सर को या कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं उनको क्या प्रोसीजर में कौन सी शीट चाहिए, वायर, बलून, कैथेटर्स, इनके बारे में जनरली नॉलेज होनी और बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो उसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आज मैं एक छोटा पार्ट जिसे हम शीत के द्वारा डिफाइन करेंगे। शीत जो होती हैं, जो वो मेन पार्ट हमारा होता है जो आर्टरी से कनेक्ट होकर प्रोसीजर को पूरा करती हैं, तो उन्हीं शीट्स के बारे में आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में समझाऊंगा कि हम कौन कौन सी शीत होती हैं, फ्रेंच क्या होते हैं और साइज भी डिफाइन होंगे उसके अंदर, और शीट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कितनी शीट्स होती हैं और कलर वाइज कलर कोड क्या होता है वो भी। तो मेरी अभी जो ये नेक्स्ट वीडियो प्ले होगी उसके अंदर हम बात करेंगे शीट्स में, तो उसमें डिफाइन किया जाएगा आपको शीट्स के नंबर वाइज और कलर कोड। आपको बताते हैं सभी शीट्स के बारे में। ये सभी शीट्स हैं जो प्रोसीजर के दौरान यूज़ होती हैं। फर्स्ट पे आती है ये 5F शीट। 5F शीट होती है जो 5F कैथेटर यूजिंग के दौरान ली जाती है। जो रेडियल शीट है ये 7 सेंटीमीटर की होती है और इसकी सारी डिटेल ये दे रखी है, तो ABC करके इसमें सारा समझा रखा है आप लोगों को। तो ये हमारी होती है 5F शीट। ये हमारी सेकंड नंबर पे आ गई है 6F शीट। ये भी रेडियल होती है और 7 सेंटीमीटर की होती है। इसकी पूरी डिटेल ये है, सेम ABC समझा रखा है आप लोगों को, दिखा रखा है। तो ये भी रेडियल यूज़ है, रेडियल जो आर्टरी होती है उसके यूज़ के लिए। तो तीसरे नंबर पर आती है हमारी फीमोरल शीत। तो इससे आगे सारी ही हमारी फीमोरल शीत स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है 6F फीमोरल शीत, 6F। ये 11 सेंटीमीटर की होती है, बाकी इसकी डिटेल है, मोटाई लंबाई सारी आपको मेंशन कर रखी है। और ये आती है हमारी फिर 7F शीत। ये साइज़ बढ़ते रहते हैं, विड्थ मोटाई इनकी बढ़ती रहती है। ये 0.38 और 0.97 mm की है और 11 सेंटीमीटर की है। ये हमारी 7F शीत है। तो इसके आगे चलते हैं हम, फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी 8F शीत। 8F शीत हुई, इसका भी साइज़ बढ़ गया और 11 सेंटीमीटर की ही होती है, पर मोटाई में ये 0.97 mm की हो जाती है। तो ये हमारी ये 8F शीत होती है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारी होती है 10F शीत। 10F शीत 11 सेंटीमीटर की होती है, इसकी मोटाई 0.38 होती है और इसके भी बढ़ के 0.97 mm की हो जाती है। तो ये हमारी 10F शीत है। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास है आज, ये है हमारी 11F शीत। 11F शीत 0.38 0.97 mm ये रहती है। तो गाइस, ये सभी शीत हैं जो अभी हमारे अकॉर्डिंगली यूज़ में ली जा रही हैं। तो आपको इनके बारे में अच्छे से देख लिया होगा, रिवाइंड करके इनकी अच्छे से इंफॉर्मेशन कैच करें और उसके बाद जब आप लर्निंग पीरियड से प्रैक्टिकली आओ तो आपको ये प्रोसीजर के दौरान में ये देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो क्लिप में देखा, हमने आपको शीत की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। शीत अलग अलग कलर कोड के हिसाब से होती है, अलग अलग फ्रेंच और अलग अलग साइज के हिसाब से होती है। तो रेडियल शीत रेडियल आर्टरी के लिए होती है और फीमोरल शीत होती है फीमोर पैर की आर्टरी के लिए होती है। तो पैर की आर्टरी के लिए हम 11 सेंटीमीटर शीत का यूज़ करते हैं और हाथ की जो रेडियल आर्टरी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं 7 सेंटीमीटर शीत। 7 सेंटीमीटर 6F भी होती है और 5F भी होती है, 5F कैथेटर और 6F कैथेटर के लिए। और फीमोरल आर्टरी जो होती है वो 7, 8, 6F में भी होती है और
10 और 11 सेंटीमीटर और 45 और 24 सेंटीमीटर की भी होती हैं, बड़ी शीत भी होती हैं जो कि घुमावदार जो हमारी आर्टरी होती हैं उनके लिए स्पेशली यूज़ की जाती है। ठीक है गाइज, तो आज मैंने आपको शीत के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। शीत एक अहम भूमिका रखती है हमारे कार्डियक प्रोसीजर में, इंट्रावेस्कुलर प्रोसीजरों में, और डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें केसेस के हिसाब से अलग अलग शीत लेने लेते हैं और प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शीत की अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। और कार्डियक हेल्थ सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ इन्फॉर्मेशनल, तो आगे भी लेके आता रहूँगा। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।